आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी नींबू और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बिना धूप के भी इसे हम बना सकते हैं। इसमें धूप की जरूरत नहीं होती है और इसे एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए ये टेस्टी सा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है नींबू और मिर्ची। तो नींबू मेरा 15 नींबू मैंने लिया है अचार बनाने के लिए, और उसके साथ मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। नींबू को अच्छे से धोकर और साफ कपड़े से पोंछकर पंखे की हवा में सुखा लिया है, और उसी तरह मिर्ची को भी धोकर और बढ़िया से सुखा लिया है। और अब नींबू को कट कर लेंगे। तो यहाँ एक नींबू से मैं 8 पीस कर रही हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा इसका कर लेंगे। तो यहाँ इसी तरीके से सारे नींबू को कट कर लेंगे, और अब यहाँ हरी मिर्च को भी काट लेंगे। तो मिर्च, नींबू वाली मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और ज्यादातर लोग मिर्ची ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा मिर्ची ली है। आप और भी मिर्ची ले सकते हैं, या कम चाहे तो कम मिर्च भी डाल सकते हैं। तो सारी मिर्च में इसी तरीके से चीरा लगा लेंगे। और नींबू में जाके मिर्ची कम तीखी लगती है, इसलिए और भी स्वाद अच्छा लगता है। तो यहाँ जिस बाउल में हमने नींबू काटा था, तो बड़ा बाउल है उसी में मैं मिर्ची भी डाल दे रही हूँ। इसको मिक्स करने के लिए बड़ा बर्तन ही लेंगे, जिसमें कि इसे सारी चीजों को हम अच्छे से मिला सके। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ लेंगे 4 बड़ा चम्मच नमक। अभी मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में भी और नमक मैं डालूंगी। तो अभी ये खाने वाला सादा नमक है, मैं ये डाल रही हूँ। तो 4 चम्मच नमक डाल के और अभी इसे अच्छे से मिला देंगे। और अब इसे लगभग 20-22 घंटे के लिए इसी तरीके से ढककर रख देंगे, ताकि नमक और हल्दी अच्छे से सारी चीजों में मिल जाए, और उसके बाद इससे हम और सारे मसाले मिलाएंगे। इस तरीके से अचार बढ़िया बनता है यदि हल्दी नमक में उसे पहले से डालकर रखे तो। और यहाँ मैंने मसाले लिए हैं, तो 1 चम्मच लिया है मेथी दाना, 1 चम्मच लिया है सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी है, 2 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच अजवाइन है, और 50 ग्राम सरसों की दाल है। तो अब मेथी और जीरा को हम अच्छे से भूनेंगे, और सारी चीजें अभी नहीं डालेंगे, बस मेथी और जीरा को हमें अच्छे से भूनना है। तो हल्की आंच पे ही इसे भूनेंगे, तो ये अच्छे से भून जाएगा। तो अब धीरे धीरे इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यानी हमारा मसाला भून रहा है। तो देखिए यहाँ कलर चेंज हो चुका है, मेथी और जीरा भून चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे सौंफ और कलौंजी यानी मंगरैल और अजवाइन। तो अजवाइन और मंगरैल का आधा आधा भाग मैं डाल रही हूँ, और आधा बचा के रख रही हूँ, उसको साबुत डालूंगी। और अब इसमें सरसों की दाल डाल देंगे, ताकि ये सारी चीजें इसके साथ ही गर्म हो जाए। इसे हमें भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे। और यहाँ सारी चीजें गर्म हो चुकी है, और उसके बाद इसे ठंडा भी कर लिया है। ठंडा करके इसे हम पीस लेंगे। तो दरदरा पीसेंगे इसे मिक्सर जार में डाल के। यहाँ
है इसे पीस लिया है, मसाला रेडी हो चुका है और उधर नींबू और मिर्ची को रखे हुए लगभग 20 घंटे के करीब हो चुका है। तो अब इसमें इसे एक बार चला देंगे और इसमें मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है नींबू का और मिर्ची का। तो मसाले डाल देते हैं, पहले जो मसाला हमने मिक्सर जार में पीस के रेडी किया था उसको डाल दे रही हूँ। और अब इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, जो साबुत साबुत हमने बचा के रखा था उसको डाल रही हूँ, और ये मंगरेल। और अब इसमें एक छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ, हींग से अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और अब इसमें डाल दे रही हूँ आधा चम्मच के करीब भुना हुआ धनिया पाउडर है, ये मैंने पहले से भून के रखा था इसलिए मैंने दोबारा से नहीं भुना। और अब इसमें दो चम्मच हल्दी और डाल रही हूँ, और इसके साथ मैंने एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, और दो चम्मच काला नमक मैं अब डाल रही हूँ। काला नमक से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो अब मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ मसालों के साथ। और अब इस पे तेल डाल देंगे, सरसों का तेल मैंने यहाँ लिया है, तेल अभी ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा तेल डाल के और इन सारी मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। तो अचार मेरा लगभग तैयार हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और वापस से इसे ढककर और 10 से 12 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देंगे, और उस दौरान में एक दो बार इसे हम ऊपर नीचे चला देंगे। धूप लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप रूम में भी रख के और इसे बस दो तीन बार चला दीजिए ताकि मसाले अच्छे से इसमें भीग जाए। उसके बाद इसे हम जार में भर देंगे। तो यहाँ मैंने देखिए एक जार लिया है, इसको अच्छे से धोकर और साफ करके सुखा लिया है, बिल्कुल सूखा जार है ये। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मॉइस्चर ना रहे। और अब इसमें हम अचार अपना भर देते हैं, तो और कुछ नहीं डालना है, बस अचार को इसमें डालते जाना है और दबा दबा के अचार भरेंगे। और इसके बाद से इसमें ऊपर तक सरसों का तेल डाल देंगे और इसे रख देंगे, तो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर में ये अचार एकदम खाने के लिए रेडी हो जाएगा। नींबू पक जाएगा और मिर्ची तो अभी से तैयार है, मिर्ची चाहे तो आप अभी से खा सकते हैं। थोड़ी सी मिर्ची मैंने अलग करके रख ली है डेली यूज के लिए, डेली के खाने में हमने खाना शुरू भी कर दिया है, बहुत ही यम्मी लग रही है जब से अचार बनाया तभी से। तो अब ढक्कन को लगा के और रख देंगे। तो आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।